ओपन कर लेता हूँ आपका जो ये सेक्शन सी मैंने यहाँ पे रखा हुआ था ना लास्ट टाइम जो रिपोजिटरी हम बना रहे थे, कोड स्पेस डॉट लिखा मैंने और मैं वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ पे लास्ट क्लास में मैंने आपको छोड़ा था। ठीक है जी, लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, कॉपी पाथ करते हैं इसका। कुछ इस तरह की सीवी लास्ट क्लास में हम बना चुके थे, इसमें एक हेडिंग लगा ली थी, एक फ़ोटो लगा ली थी हमने, ऑब्जेक्टिव लगा लिया था, एजुकेशन को करके हमने टेबल बना ली थी। ठीक है जी, कुछ बायोडाटा वगैरह वगैरह लिख लिया था हमने। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था, इसको गिटहब डॉट कॉम पर पुश कर दिया था। अच्छा, गिटहब डॉट कॉम पर पुश करने के बाद मैंने आपसे ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अगर आप इतना काम करके आएंगे तो आपको मैं क्या सिखाऊंगा, होस्टिंग करना इसकी सिखाऊंगा। ठीक है, माशाल्लाह आप लोगों ने सबने बहुत अच्छे से बनाया है, सारा असाइनमेंट कर लिया आपने। अच्छा, तो अब इसको होस्ट करने के लिए मुझे कहाँ जाना होगा, मुझे जाना होगा मेरे गिटहब डॉट कॉम पर। ठीक है, जिस जगह पे मैंने इसको, जिस रिपोजिटरी में मैंने इसको पुश किया, मुझे वहाँ जाना होगा। और वहाँ जाने के बाद सेक्शन सी के नाम से ना ये रहा, ठीक है, सेक्शन सी वाले पे मैं गया। ठीक है, ये मैं उस रिपोजिटरी में आ गया, यहाँ पे वो HTML की फाइल और वो इमेज का फोल्डर दोनों पुश हो चुका है जो मेरे यहाँ पर था पहले। ठीक है, पुश हो चुका है। अब यहाँ पर आके आपको इसको होस्टिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल सा एक काम करना है, और वो काम क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके यहाँ पे पेजेस करके आ रहा है, इसमें पेजेस में जाना है, और यहाँ पे जो ब्रांच लिखा हुआ है ना नन, उसको आपने क्या कर देना है, ये मेन सेलेक्ट कर लेना है इसकी जगह, और सेव का बटन दबा देना है। तो थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये होस्ट होकर आपके सामने यहाँ पर URL आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जो जहन में रखने की ज़रूरत है, नंबर एक बात जो मैंने आज देखा है अक्सर लोगों ने ये गलती की हुई है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की जो फाइल है ना, ये आपकी रूट पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ एक फोल्डर है उसके अंदर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है। इस तरह से होगा तो फिर ये काम नहीं करेगा आपके पास। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल एक तो रूट पे होनी चाहिए आपकी रिपोजिटरी में, दूसरा ये कि इसकी स्पेलिंग एग्जैक्टली यही होनी चाहिए। अगर ये आई कैपिटल हुआ तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आपने स्मॉल लेटर से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पूरा स्मॉल से लिखना है आपने। अच्छा, तो सॉरी, पहला जो पहली फाइल होगी ना, देखो एक वेबसाइट के अंदर जो पहला पेज होता है, जो पहली फाइल होती है, उसके लिए कन्वेंशन है कि उसका नाम इंडेक्स ही होना चाहिए। अच्छा, ये कन्वेंशन है तो सब लोग उसको फॉलो करते हैं, तो गिटहब भी इसको फॉलो कर रहा है और भी होस्टिंग के जो प्रोवाइडर्स हैं वो सारे उसको फॉलो करते हैं, तो हमने भी इसको फॉलो करना है। अच्छा, दूसरा पेज जब मैं बनाऊंगा तो वो मेरी मर्ज़ी का कोई भी नाम हो सकता है, उसके अंदर मुझे प्रॉब्लम नहीं है नाम वगैरह की। अच्छा, तो ये मैंने काम कर लिया। अब मैं वापस सेटिंग में जाऊंगा और मैं पेजेस में उसी जगह पे जाता हूँ तो मेरे पास ये URL बनकर आ चुका है। ठीक है, 2-4 सेकंड या 10 सेकंड ये कभी लेता है। अच्छा, इसको मैंने क्या किया, विजिट साइट का बटन दबाया तो ये सामने मेरे पास खुलकर आ गई। ये एक ऐसा URL है कि दुनिया में कहीं पे भी बंदा मौजूद होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, इस URL को लिखेगा तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अभी इसमें कोई लंबा चौड़ा सा URL लगा हुआ है एंड दैट URL डजेंट मेक एनी सेंस, है ना। फेसबुक डॉट कॉम तो बड़ा सिंपल सा, आसान सा होता है ना। अब इसमें फेसबुक डॉट कॉम कैसे लगेगा, तो उसके लिए उसका जवाब ये है कि वो फेसबुक डॉट कॉम इज़ अ डोमेन जो हमें बाय करना होता है, ख़रीदना होता है। ठीक है, ख़रीद के हम इसके साथ उसको चिपकाते हैं, जो कि हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ। तो फेसबुक डॉट कॉम इज़ जस्ट लाइक अ फ़ोन नंबर, जैसे आपका जो फ़ोन नंबर है वो आपके पास ही होगा ना, किसी और के पास तो नहीं होगा, और आपने बाय किया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह आप क्या करते हैं, आप जाके बाय करते हैं फेसबुक डॉट, अच्छा फेसबुक डॉट कॉम आप बाय नहीं कर सकते क्योंकि वो किसी ने लिया हुआ है पहले से। ठीक है, अगर वो आपको दे दे, जैसे कोई किसी बंदे के पास बड़ा गोल्डन नंबर है, आप उससे रिक्वेस्ट करें कि आप ये नंबर मुझे दे दें, अगर वो दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो ठीक है, आप ले नहीं सकते ज़बरदस्ती उससे। ठीक है, तो इसी तरह फेसबुक डॉट कॉम अगर आपकी मोहब्बत में आपको फेसबुक डॉट कॉम दे दे तो बात और है, लेकिन वो देगा नहीं ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं नेम चीप में जाता हूँ। ठीक है, नेम चीप डॉट कॉम, इसी तरह गो डैडी डॉट कॉम है, वहाँ जाता हूँ मैं, और मैं मिसाल के तौर पे मेरा नाम लिखता हूँ, मैं कहता हूँ मलिक डॉट कॉम, है ना, कि मैं चाहता हूँ मलिक डॉट कॉम लिखूँ तो ही खुले, तो देखते हैं कि ये मौजूद है या नहीं है या कोई ले चुका है। ठीक है जी, 1996 में ही किसी ने ले लिया था, मेरे पैदा होने के 2 साल बाद।
किसी ने ये ले लिया था और अभी तक छोड़ा नहीं है उसको, ठीक है जो मलिक डॉट कॉम तो अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने कहा यार कि मलिक डॉट सी ओ ले लें आप, मलिक डॉट को ले लें आप, इसके पैसे कितने हैं, ये भी बहुत महंगा है, $6,000 का पर यार $28 मुझे देने होंगे इसको एक बार लेने के बाद, ठीक है तो ज़रा देखते हैं मलिक में कोई सस्ता वाला हो, ठीक है मलिक डॉट सो है ये $64 पर ईयर है, ठीक है अच्छा इसी तरह मिसाल के तौर पर चलो मलिक अवेलेबल नहीं है तो मैं इंजमाम ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है इंजमाम डॉट कॉम जो है वो अवेलेबल है, किसी ने $3,000 में कहा हुआ है कि मैं दे दूँगा, तो अगर मुझे लेना है तो मैं $3,000 दे दूँगा, ठीक है अच्छा इसमें भी कोई कम पैसों वाला, एक $2 वाला भी आ रहा है इंजमाम डॉट एक्स वाई जेड, $2 पर ईयर है, बिल्कुल सस्ता है ये, है ना, तो आपने देखा कि जैसे फ़ोन नंबर होता है ना गोल्डन नंबर है तो वो महंगा होता है, बीच में वो जोंग वालों ने किया था ना कि आप आओ हमारे पास और नंबर बताओ और वो नंबर आपको हम दे देंगे, तो 600 रुपये लेते थे वो, अच्छा तो लेकिन उसमें वो बिल्कुल गोल्डन नहीं होता था, यानी 0300 और 1234567 ये नंबर उसमें नहीं होता था, ये नंबर तो वो बेचते ही नहीं थे, ये नंबर उनको अंदर से जाके और वो एप्लीकेशन दे के पता नहीं बड़ा लंबा चक्कर था उनका, तो इस तरह के नंबर वो बेचते ही नहीं थे, उन्होंने संभाल के रखे हुए थे कि जब हमारी कंपनी तरक्की कर जाएगी तो फिर हम निकालेंगे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो निकल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ये तो मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ठीक है इसी तरह जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे अब मैं इंजमाम मलिक लिखूँगा तो दो वर्ड हो गए ना, अब ये आसानी से मिलेगा, ठीक है अब देखो इंजमाम मलिक डॉट कॉम अवेलेबल है $10 पर ईयर में, जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे ना उतना सस्ता होगा ये, और जितने कम वर्ड होंगे उतना महंगा होगा, जाहिर है कम वर्ड आसान होता है याद रखने में, ये देख रहे हो इंजमाम मलिक डॉट ए आई $70 में ये भी आ गया, सही है इसमें आपको देखो $2 वाले दिख रहे हैं, $2 $10 $4 है ना, देखो $3 वाला दिख रहा है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है, इसको बाय करना पड़ता है, तो अगर आप में से कोई इसको बाय कर ले इस क्लास में से, अगर कोई चाहे किसी को अगर शौक है कि जी मेरी जो वेबसाइट है सीवी की वो मेरे नाम से होनी चाहिए, तो ये डोमेन उसको बाय करनी पड़ेगी, अच्छा अगर बाय कर लें और आपको ये समझना है कि इसको अटैच कैसे करना है तो आप मेरे पास आ जाइएगा, मैं यहाँ पे आपको करके बता दूँगा, ठीक है अच्छा वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ नहीं नहीं ये तो पर ईयर है, पर ईयर है $10 पर ईयर है, अगर आप पैसे नहीं पे करेंगे तो वो आपसे रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है और गो डैडी के पास वापस चला जाएगा, जिससे भी आपने लिया है उसके पास वापस चला जाएगा, एक्चुअली वैसे तो इसके कोई पैसे नहीं होने चाहिए लेकिन इसके पैसे असल में इस वजह से होते हैं कि इनके ना DNS सर्वर्स होते हैं, ठीक है अगर आप खुद का DNS सर्वर लगा लें तो फ्री है, कोई पैसे नहीं है फिर, ठीक है तो DNS सर्वर की कॉस्ट होती है ना कुछ, तो इस वजह से उसमें जो भी नाम सेव होते हैं DNS सर्वर में उसके कुछ ना कुछ पैसे आपको पे करने होते हैं, ठीक है जी, हाँ तो जो लोग आपके DNS से कनेक्ट होंगे उसके ऊपर वो डोमेन चलेगा बाकियों पे नहीं चलेगा, नहीं आपका जो DNS है ना ये बात इसने अच्छी की है, कह रहा सर अगर मैं अपने DNS ऐसी जगह पे लगा दूँ कि हर जगह से कनेक्ट हो जाए, हाँ तो उधर DNS लगा देंगे तो फिर आप वो प्रोवाइडर बन जाएंगे ना, ये GoDaddy वालों ने यही तो किया हुआ है, GoDaddy वालों ने यही तो किया हुआ है, तो उधर DNS लगाने का एक्सपेंस है कॉस्ट है, ठीक है ना जो कि आपको बेयर करनी पड़ती है, फिर वो सारे DNS वालों ने आपस में एक मुआहदा भी किया हुआ है, अब मिसाल के तौर पर facebook.com जिस DNS वाले के पास है, अब दूसरा DNS वाला बोले नहीं ये facebook.com मैं दोबारा बेचूंगा, तो होगा क्या आधी दुनिया फेसबुक लिखेगी कुछ और खुलेगा, आधी खोलेगी कुछ और खुलेगा, तो ये नहीं होना चाहिए, तो आपस में भी उन्होंने एक मुआहदा किया हुआ है कि हम तमाम DNS के रिकॉर्ड जो है ना उसको सिंक रखेंगे सेम रखेंगे, तो फिर आप वो उस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो उस क्लब में जो जो होता है वो आपको करना पड़ेगा, है ना वो एक रूल रेगुलेशन के तहत, हाँ अगर आप इस बिल्डिंग में इस बिल्डिंग के अंदर आप अगर एक DNS लगा दें छोटा सा कि इस बिल्डिंग की जितनी भी ट्रैफिक है वो उस DNS से होके गुजरे और वहाँ पे आप लिख दें कि facebook.com पे फला वेबसाइट खुलनी चाहिए तो वो खुलेगी, ठीक है जो एक्चुअल है वो नहीं खुलेगी क्योंकि ये तो बिल्डिंग आपकी है इसका DNS आपके कंट्रोल में होगा, वेल ये तो एक चलो इन्फॉर्मेशन की बात थी, तो यहाँ पे आपका काम ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पे से आपने इस URL को राइट क्लिक करके कॉपी करना है और कॉपी करके क्या करना है आपने वापस अपने रिपोजिटरी में जाके कोड पे क्लिक करना है जिससे आप मेन पेज पर आ जाएंगे, यहाँ पे आके आपने इधर इसको मेंशन करना है, इस URL को इधर मेंशन करना है, कैसे होगा गियर आइकन पे क्लिक करूँगा मैं वेबसाइट पे ऐसे जाऊँगा इसको पेस्ट करूँगा और सेव कर दूँगा, ठीक है यहाँ पे ये मेंशन हो गया URL, ठीक है सब लोगों को समझ आ गई कैसे हुआ ये, तो इस तरह से आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट कर लेना है,
जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उन्होंने ये होस्ट कर लेना है। जी दोस्त, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सेटिंग में गया, सेटिंग में जाके मैं गया पेजेस में, ये पेजेस में आ गया। पेजेस में आने के बाद यहाँ पे एक ब्रांच के नाम से एक हेडिंग है, इसको ओपन किया, ये पहले नन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको मैंने मेन पे करके और सेव का बटन दबा दिया। ठीक है, सेव का बटन दबाते ही थोड़ी देर में यहाँ पे यूआरएल अपेयर हो जाएगा। इसको मैं थोड़ी देर रिफ़्रेश करता रहूँगा, 2-3 दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा तो आ जाएगा। ठीक है, दो मिनट 1 मिनट लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। ये आने के बाद मैं विजिट वेबसाइट का बटन दबाऊँगा, ये मेरे पास यूआरएल आ गया जो कि पब्लिक है, इसको मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके ला के अपने मेन पेज पे आऊँगा रिपोजिटरी के। यहाँ पे अबाउट के आगे गेयर का बटन दबाऊँगा, यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा और सेव कर दूँगा, जस्ट लाइक दैट।